26 जून 1975 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो से इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। उनके इस ऐलान के कुछ घंटे पहले ही 25 और 26 जून के दरमियान रात को इमरजेंसी के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद दस्तक कर चुके थे। इंदिरा गांधी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कोर्ट ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को गलत बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। दूसरी तरफ बेटे संजय गांधी और प्राइवेट सेक्रेटरी आर के धवन ने विरोधियों के नामों की चिट्ठियां मुख्यमंत्रियों को भेजकर गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इमरजेंसी का आम लोगों, मीडिया, राजनेताओं के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री पर भी बुरा असर पड़ा। फिल्म में सेंसरशिप में कई बदलाव हुए थे, कई एक्टर्स की फिल्मों पर और सिंगर्स के गानों पर बैन लगा दिया था। कोई कलाकार चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उसने उस वक्त सरकार का साथ नहीं दिया या उनके खिलाफ छोटी सी भी कोई गलत बात कह दी, तब तो उनका जीवन बहुत मुश्किल में हो जाता था। देश के बड़े बड़े मसलों को छोड़कर तुरंत उन पर एक्शन लिया जाता था। इन भुक्तभोगी में किशोर कुमार, देवानंद साहब, भारत के नाम से मशहूर मनोज कुमार, यहां तक कि गुलजार साहब और संजीव कुमार भी अछूते नहीं रहे। लेकिन वहीं जिन कलाकारों ने इन इमरजेंसी का साथ दिया, उन्हें उस वक्त सरकार के द्वारा सर आंखों पर बिठा लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस किस महान कलाकारों को इमरजेंसी का सपोर्ट ना करने की सजा मिली, किन किन फिल्मों पर बैन लगा और किन किन बॉलीवुड हस्तियों ने इसका सपोर्ट किया। पूरी कहानी सुनने के बाद अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि इन सपोर्टर स्टार का नाम सुनकर आप इन्हें चापलूस कहेंगे, मजबूर कहेंगे या कुछ और। लेकिन आपसे निवेदन होगी कि कृपया हमें कमेंट कर इस बात की जानकारी जरूर दें। दोस्तों, साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरे बॉलीवुड की नहीं बल्कि उनमें से चुनकर कुछ ही किस्सों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपका प्यार मिला तो जरूर इमरजेंसी के दौरान बॉलीवुड पर हुए और भी घटनाओं को लाने की कोशिश करूंगा। तो आइए जानते हैं 1975 के आपातकाल के दौरान कैसी थी फिल्म इंडस्ट्री की हालत। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपातकाल के दौरान देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। एक तरफ जहां विपक्षी दलों के नेताओं को जेल और उनके घरों में कैद कर दिया गया, वहीं सरकार के खिलाफ फिल्मों के द्वारा उठाई गई आवाजों को भी दबाने की कोशिश की गई। उस दौरान कई फिल्मों के प्रिंट को जला दिए गए तो कई फिल्में आज तक रिलीज भी नहीं हुई। जब पूरा देश इमरजेंसी की आग में जल रहा था, तब सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को अपना खौफ दिखाकर उन पर दबाव बनाया। कहा जाता है कि वो एक ऐसा समय था जब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स और स्क्रिप्ट राइटर्स संजय गांधी और इंदिरा सरकार के आगे झुक गए थे। स्क्रिप्ट राइटर संजय म्यूजिकल कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करके संजय गांधी की तारीफ कर रहे थे। एक्टर दिलीप कुमार जैसे दिग्गज एक्टर्स भी सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे थे। उस वक्त के तत्कालीन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सिर्फ प्रेशर ही नहीं बनाया बल्कि बाकायदा धमकी देकर इमरजेंसी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंडस्ट्री के कई ऐसे स्टार्स को सत्ता के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाने का दबाव डाला। एक्टर्स द्वारा ऐसा ना करने पर इसका असर उनके करियर और आने वाली फिल्मों पर दिखा था। उस समय के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला ने फिल्म प्रोड्यूसर को सरकार के निर्देशों के मुताबिक फिल्में बनाने की हिदायत भी दी थी। पहला निर्देश ये था कि सरकार की आलोचना करने वाली कोई भी फिल्म या शॉर्ट फिल्म बनाने की मनाही थी। सरकार की आलोचना करने वाली जो फिल्में पहले से ही बन गई थी, उन्हें या तो बैन कर दिया गया या फिर सेंसर ने कुछ सीन्स फिल्म से हटा दिए। फिल्मों में एक्शन सीन 90% से अधिक नहीं हो सकते थे। किसी भी गाने, डांस या डायलॉग में सरकार विरोधी कोई भी बात थी, उसे सेंसर बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था।
शराब की बोतल या खून के धब्बे वाले सीन्स भी फिल्म से हटा दिए गए थे। जो कोई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स अगर सरकार के इस निर्देश को नहीं मानते तो उनके गाने या फिल्मों को बैन कर दिया जाता था। इमरजेंसी के दौरान सिंगर एक्टर किशोर कुमार के गानों को आकाशवाणी पर बैन कर दिया गया था। रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किशोर कुमार को फोन किया गया था और कहा गया था कि वो इंदिरा गांधी की एक प्रोग्राम के लिए जिंगल को अपनी आवाज दे। किशोर कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने मंत्री से कहा कि वो हार्ट की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की हिदायत दी है। किशोर कुमार के इस कदम से मंत्री वीसी शुक्ला काफी गुस्सा हुए थे और उन्होंने अनौपचारिक तरीके से किशोर कुमार के गानों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर लगभग 6 महीने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। बाद में मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार पर लगे बैन को हटवाया था। किशोर कुमार की तरह शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के उन साहसी अभिनेताओं में से एक थे जो इमरजेंसी के खिलाफ खड़े रहे। संजय गांधी और वीसी शुक्ला ने पूरी कोशिश की थी कि वे फिल्मी सितारों को इमरजेंसी के पक्ष में प्रचार प्रसार करवाएं। यहां तक कि उन्होंने सितारों को चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने का दबाव बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा से भी इसमें भाग लेने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसकी वजह से न केवल उनकी फिल्मों को दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया था बल्कि धमकी भी मिली थी कि अगर वह बिहार में पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ौदा डायनामाइट केस में फंसा दिया जाएगा। मनोज कुमार पर भी इमरजेंसी का बुरा असर पड़ा। मंत्री वीसी शुक्ल अमृता प्रीतम द्वारा लिखी हुई एक प्रो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्री पर फिल्म बनाने का ऑफर लेकर मनोज कुमार के पास गए थे। दोनों अच्छे दोस्त थे लेकिन इसके बावजूद मनोज कुमार ने फिल्म बनाने से इनकार कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए वीसी शुक्ल ने मनोज कुमार की फिल्म किशोर को थिएटर में रिलीज होने के 2 हफ्ते पहले दूरदर्शन पर रिलीज कर दिया। जब वे फिल्म थिएटर पर रिलीज हुई तो बड़ी तादाद में लोग इसे देखने नहीं गए जिस वजह से ये फ्लॉप हो गई। इसी दौरान मनोज कुमार की एक और फिल्म 10 नंबरी रिलीज होने वाली थी लेकिन सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। इस बैन के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। लाखों रुपए खर्च हो गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कोर्ट में केस चल ही रहा था कि 1977 में जनसंघ की सरकार बन गई और मनोज कुमार ये केस जीत गए। देवानंद ने भी इमरजेंसी का खुलेआम विरोध किया था और इमरजेंसी को उन्होंने प्रोपोगेंडा बताया था। इस वजह से सरकार ने उनकी सभी फिल्मों को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने से रोक दिया था। उनकी फिल्म देश परदेश में कांग्रेस ने बहुत बाधा डालने की कोशिश की थी। हालांकि देवानंद कहां किसी से डरने वाले थे। वह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करते रहे और प्राण साधना व ऋषिकेश मुखर्जी जैसे सितारों ने उनका सपोर्ट किया। नरगिस दत्त ने देवानंद के इस कदम का विरोध किया था और कहा था कि वो हट कर रहे हैं लेकिन देव साहब ने इसका जवाब देने के लिए अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली थी। देवानंद ने इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और खुलेआम इंदिरा गांधी के फैसले की निंदा की। इसके अलावा विजय आनंद, फिरोज खान, अमोल पालेकर और अभिनेता आत्मा राम के साथ भी ऐसा ही किया गया था। अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्म किस्सा कुर्सी का 1975 में रिलीज होने वाली थी। रिलीज होने से पहले जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने देखा तो उसे बैन कर दिया। सेंसर बोर्ड को लगा कि यह फिल्म संजय गांधी के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का मजाक बनाया है और सरकार की नीतियों को बदनाम करने की कोशिश की है। इस फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट से जलाकर खत्म कर दिए गए थे। जिस प्रिंट को जलाया गया था उस फिल्म में राज बब्बर लीड रोल में थे। इमरजेंसी हटने के बाद डायरेक्टर ने 1977 में दोबारा फिल्म बनाई। हालांकि दूसरी बार बनी फिल्म में राज बब्बर ने काम नहीं किया। इस फिल्म में राजकिरण, सुरेखा सिकरी और शबाना आजमी लीड रोल में थे। 1975 की फिल्म आंधी पर भी इमरजेंसी के दौरान बैन लगा दिया गया था। सेंसर बोर्ड का आरोप था कि इसमें इंदिरा गांधी को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन लीड रोल में थे और इसे डायरेक्ट गुलजार साहब ने किया था। 15 अगस्त 1975 को फिल्म शोले रिलीज हुई थी। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का क्लाइमेक्स बदला गया था।
इस बात का खुलासा खुद रमेश शिप्पी ने किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म का क्लाइमेक्स जैसा दिखाया गया है वैसा नहीं था। इमरजेंसी में सेंसर ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर आपत्ति जताई थी। असली क्लाइमेक्स सीन में ठाकुर अपने नुकीले जूतों से गब्बर को मार देता है। इस सीन को सेंसर ने कानून का हवाला देकर बदलने को कहा था। इसके बाद 26 दिनों में क्लाइमेक्स को दोबारा से शूट किया गया, जिसमें गब्बर को कानून के हवाले किया गया। फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, जया बच्चन और हेमा मालिनी लीड रोल में थे। बॉलीवुड के दिलेर सितारों में एक नाम नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी का भी है, जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध तो किया, साथ ही कई आंदोलन में भी शामिल रही। इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोपों पर कठोर MIS से यानी आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। स्नेहलता को बिना किसी मुकदमे के 8 महीने तक बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद रखा गया। इस दौरान उन्हें अमानवीय परिस्थितियों और यातनाओं का सामना करना पड़ा। आखिर में उन्हें ऐसी बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली। जेल से रिहा होने के ठीक 5 दिन बाद ही उनका निधन हो गया था। हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम, राजेंद्र सिंह बेदी, मौलाना अतीक उल रहमान समेत 40 राइटर्स ने इमरजेंसी लगाने के कदम को सही बताया था। सुनील दत्त ने जर्मनी के बर्लिन से इंदिरा गांधी को टेलीग्राम कर इमरजेंसी लगाने पर बधाई दी थी। दोस्तों, अगर बात करें 1975 की इमरजेंसी पर बनी फिल्मों की, तो उसमें से पहला नाम 1978 की नसबंदी आएगी। इमरजेंसी का दौर सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए नसबंदी के कारण भी याद किया जाता है। 1978 में आई इस फिल्म में व्यंग के रूप में इस मुद्दे को दिखाया गया था। इस फिल्म में इमरजेंसी और उस दौरान देश में पैदा हुई स्थिति का चित्रण किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन IS जौहर ने किया था। इंदु सरकार। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार रिलीज के समय से ही विवादों में रही। मधुर भंडारकर ने फिल्म इंदु सरकार को इमरजेंसी के गुमनाम हीरो को समर्पित की थी। फिल्म में 1975 से 1977 तक 19 महीने में देश की स्थिति को दिखाया गया है। मधुर भंडारकर निर्देशित इंदु सरकार में कीर्ति कुल्हाड़ी, नील नितिन मुकेश, अनुपम खेर अहम भूमिका में नजर आते हैं। बादशाह। अजय देवगन, इलियाना डिक्रूज, इमरान हाशमी, विद्युत जामवाल, ईशा गुप्ता और संजय मिश्रा स्टारर बादशाह साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी है 1975 में लगी इमरजेंसी के वक्त की, जहां सरकार को पता चलता है कि महारानी गीतांजलि के पास एक खजाना है। सरकार की नजर इसी खजाने पर होती है, लेकिन महारानी गीतांजलि कुछ भी करके इस खजाने को दिल्ली तक पहुंचने से रोकना चाहती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। के मेनन, चित्रांगदा सिंह और शाइनी आहूजा स्टारर इस फिल्म को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी का बैकग्राउंड भी देश में लगी इमरजेंसी है। फिल्म 3 युवाओं की कहानी पर आधारित है, जिसकी जिंदगी राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के बीच घिरी है। दोस्तों, ये थी इमरजेंसी के दौरान बॉलीवुड के डार्क फेज के किस्सों का सफर। अब कंगना रनौत ने भी एक फिल्म का ऐलान किया है, जिसका टीजर भी आ गया है और इसका नाम भी इमरजेंसी है। इस फिल्म में कंगना खुद इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आने वाली है। बॉलीवुड में हुए इमरजेंसी के साइड इफेक्ट से जुड़ी आपके पास कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।